हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल HB ब्लॉग्स में। दोस्तों आज हम लोग आपको शोरमा चिकन का रेसिपी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग ऐसे चिकन को बोनलेस में कट कर लेंगे, कुछ इस तरह से हम लोग कट कर लेंगे चिकन को। दोस्तों कुछ इस तरह का हम लोगों को बोनलेस निकाल लेना है चिकन में से, देख सकते हैं। इसी तरह बिल्कुल इस लेग पीस का भी बोनलेस निकाल लेना है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम लोगों को लेग पीस से भी बोनलेस निकाल लेना है, देख सकते हैं। दोस्तों हम लोगों ने करीबन 2 मुर्गी का बोनलेस निकाल लिया है। अभी उसको अच्छे तरीके से पानी में धो लेंगे। दोस्तों शोरमा चिकन का मसाला बनाने के लिए हम लोग हरा मिर्च लेंगे थोड़ी सी, और धनिया के जो पत्ते होते हैं वो थोड़ा सा लेंगे, और कैप्सिकम। तो दोस्तों देख सकते हैं साथ में इन दोनों को मिक्सर में अच्छी तरीके से पीस लेंगे। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, साल्ट, चिल्ली पाउडर, गरम मसाला, कस्तूरी मेथी, ऑरेंज रेड कलर, चाट मसाला, धनिया तुल और जीरा पाउडर। तो दोस्तों हम लोग इस तरीके का एक बड़े से थाली ले लेंगे। उसके बाद जो हम लोगों ने मिक्सर पे जो पेस्ट बनाई है उसको इसमें ढाल लेंगे, देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग पेस्ट को इसमें डालिए। अब मसाला मिक्स करेंगे, जिंजर गार्लिक के पेस्ट, साल्ट, चिल्ली पाउडर, गरम मसाला, कस्तूरी मेथी और ऑरेंज रेड कलर, चाट मसाला, धनिया पाउडर, और साथ में आपका जितना चिकन टेस्ट है टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लेना। उसके बाद हम लोग इस पर मस्टर्ड ऑयल का यूज करेंगे थोड़ा सा मसाला को मिक्स करने के लिए। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग दही डाल लेंगे। हमने यहाँ पे 1/2 लीटर दही यूज किया है। तो आप आपके चिकन के हिसाब से, मसाला के हिसाब से दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इस पे चिकन मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से चिकन को मसाले से मिक्स कर लेंगे, देख सकते हैं दोस्तों। थर्टी मिनट तक तो वैसे ही मसाला में रहने देंगे। उसके बाद कम्बी में गूंथ कर मशीन के सामने लगा देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हम लोगों का शोरमा बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों इसको इस तरह से काट लेंगे। उसके बाद कैबेज और जो उसकी रोटी आती है उसमें रोल बना के मेयोनेज़ सॉस के साथ खाए जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए और एक रेसिपी के साथ। धन्यवाद।